Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and dear viewers. College job ke liye demo ke dauran puche gaye galat sawal ka maine kya jawab diya, ye hai aaj ka topic aur ye hai aaj ka waqia. Kyunki college job ke liye main aaj hi ek jagah gaya tha, ek private college ke andar. Already alhamdulillah padhane ka mujhe ittefaq college level par ho chuka hai. Dobara se college mein padhane ka shauk bedar pehle se hai, abhi bhi hai. तो आज मैं गया था अलहमदुलिल्लाह, कॉलेज का नाम लेना इस वक्त मुनासिब नहीं है, लिहाजा नाम लिए बगैर बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर आज मेरा डेमो था. कल जो गुज़िश्ता दिन गुजरा है मैंने वहाँ अपनी सीवी जाके ड्रॉप की और आज मुझे डेमो के लिए बुलवाया गया था. अल्लाह अल्लाह करके वहाँ पहुँचे, वहाँ डेमो मेरा हुआ. जिन साहब ने मेरा डेमो लिया वो एक अकलौता ही शख्सियत थी जो कि क्लास के अंदर मौजूद थी. टॉपिक मैं पहले से प्रिपेयर करके गया था, डेप्रिसिएशन का, अकाउंटिंग से रिलेटेड मेरा डेमो था. टॉपिक मैंने शुरू किया, डेप्रिसिएशन को एक्सप्लेन किया, डेप्रिसिएशन क्या होता है ये बयान किया कि एक्सपेंस होता है या लॉस होता है. फिर डेप्रिसिएशन की एडजस्टिंग एंट्री उनको डिफाइन करी. फिर उन्होंने एक सवाल कर दिया कि क्लोजिंग एंट्री के हवाले से, मैंने क्लोजिंग एंट्री के बारे में बताया कि इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट. कहने लगे आपने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी नहीं किया. उससे फिर मैंने कहा कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी हम रिकॉर्ड करवा सकते हैं और दोनों का एक ही मतलब है. भले आप एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी बोलें, भले आप इनकम समरी बोलें, भले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलें, सबका एक ही मतलब है. फिर कंटिन्यू किया मैंने अपना जो डेमो का सिलसिला था, और कंटिन्यू करने के दौरान फिर मैंने उसको जो है वो एक एग्जांपल उनको देने लगा कि भाई तमाम के तमाम जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं, सिवाय एक फिक्स एसेट के कि जिसका नाम है लैंड. और लैंड डेप्रिशिएट इसलिए नहीं होता क्योंकि लैंड की जो यूजफुल लाइफ है वो इनफाइनाइट है. और तमाम के तमाम जो डेप्रिसिएशन जिसके ऊपर अप्लाई होता है वो तमाम के तमाम फिक्स एसेट्स वो होते हैं कि जिनकी लाइफ क्या होती है, फाइनाइट. लैंड एक ऐसा फिक्स एसेट है कि जिसकी यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट है, लिहाजा लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता. ये बात भी बयान कर दी. फिर एक एग्जांपल मेरी गुफ्तगू से निकाल के उन्होंने देने लगे कि फर्ज करें ये बिल्डिंग जो है वो 1 करोड़ रुपए की है. तो आप ये बताइए कि 1 करोड़ की बिल्डिंग में जो उनकी गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया वो ये लगाया कि शायद वो ये पूछ रहे हैं गेन और लॉस के हवाले से. तो फिर मैंने उसको ये एक्सप्लेन करना शुरू किया कि भाई जितनी की भी बिल्डिंग है, जैसे 1 करोड़ रुपए की अंदाजन ये बिल्डिंग जितने में बिक जाएगी, एज्यूम कर लेते हैं वो 10 लाख रुपए में बिक जाएगी. तो 1 करोड़ में से 10 लाख को आपने माइनस कर दिया. आप जो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो लोग हैं वो यकीनन मेरी बात समझ रहे होंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड अगर आप यूज करते हैं डेप्रिसिएशन का मेथड, तो कॉस्ट में से सैलरी वैल्यू माइनस होती है और लाइफ से आप डिवाइड कराते हैं. 1 करोड़ की अगर बिल्डिंग है और अंदाजन वो 10 लाख रुपए में बिक जाएगी अपनी यूजफुल लाइफ तमाम करने के बाद, तो 1 करोड़ में से 10 लाख को माइनस करें जवाब आएगा 90 लाख. और अगर फर्ज करें उसको यूजफुल लाइफ 100 ईयर्स, तो 90 लाख को जब आप 100 से डिवाइड कराएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 90,000 रुपए. इसका मतलब वो सालाना डेप्रिसिएशन उस फिक्स एसेट का यानी बिल्डिंग का आएगा 90,000. चूंकि उन्होंने 10 साल का जिक्र किया था तो 90,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 से, तो जवाब आएगा 9 लाख. इसका मतलब ये हुआ कि उस बिल्डिंग की जो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या टोटल आसान अल्फाज में जो डेप्रिसिएशन है वो निकला 9 लाख. 1 करोड़ की बिल्डिंग में से 9 लाख को माइनस करेंगे तो जवाब आएगा आपके पास 91 लाख. अब जरा समझने की बात है तो गौर से सुनिएगा. मैंने कहा अगर 91 लाख की बिल्डिंग है जो आपकी बुक्स में इस वक्त मौजूद है, अगर तो 91 लाख से ज्यादा कीमत में बिक जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का ये गेन कहलाएगा, और अगर 91 लाख से कम कीमत में बिक जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन का लॉस कहलाएगा. तो मुझसे फरमाते क्या है, कहते हैं ये बताइए कि अंदाजन कितने में बिक जाएगी. तो उसमें फिर मैंने उन्हें बताया, उनसे कहा कि जनाब अली जो आप ये कह रहे हैं कितने में बिक जाएगी, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, तो सेलिंग प्राइस हम थोड़ी बताते हैं. सेलिंग प्राइस तो सवाल में गिवन होती है कि जनाब अली इतने में वो अंदाजन बिकेगी. तो फिर मेरी बात से वो थोड़ा ठंडे हुए. फिर गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मुझसे कहने लगे कि एडजस्टमेंट आपको आती है. मैं ये समझा कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बात कर रहा है, वो मैं बोर्ड पर ऑलरेडी लिख चुका था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट. मैंने कहा तो मैंने आपके सामने बोर्ड पर बना दिए. वो एडजस्टमेंट के टॉपिक से रिलेटेड बात करने लगे. 4 पॉइंट्स उन्होंने लिखे, इनके 4 एडजस्टिंग एंट्रीज मुझे दी. ट्रायल बैलेंस में फला फला चीज़ें हैं और 4 एडजस्टमेंट लिख दिया. 4 में से 3 एडजस्टिंग एंट्रीज मैंने बोर्ड पर उनको समझा दी, बता भी दी. उन्होंने एक्सप्लेन करने से रिलेटेड ये कहा कि बताइए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कैसे रिपोर्ट होगी, मैंने वो भी उन्हें समझाया. 4th जो एडजस्टिंग एंट्री थी वो एंट्री मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हरकत वो कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर उन्होंने लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2,000 रुपये और एडजस्टमेंट में लिख दिया अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये. पहले तो मैं जाती तौर पर खुद ही घूम गया कि भाई इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी क्या.
क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एडजस्टमेंट मेरे अच्छे टॉपिक्स में से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में से मैं समझता हूँ कि एक है परवरदिगार का गरम है, तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी क्या। लेकिन बोर्ड के ऊपर समझाने के दौरान ही मेरा दिमाग क्लिक किया और फिर मैंने उन्हें बताया कि जैसा कि जितना मैंने अलिफ बे पढ़ा है उसके मुताबिक जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कभी होता ही नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये बात उनसे बोली उन्होंने डेमो ही खत्म कर दिया, कहने लगे अच्छा अच्छा ठीक है ये कह के उन्होंने बात खत्म कर दी और डेमो ही एंड हो गया। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि जनाब ने क्वेश्चन लिखते हुए ही गलती कर दी, लेकिन अपने उस गलती को उन्होंने तस्लीम नहीं किया और ना ही ये बयान किया कि फिर क्या होना चाहिए, डेमो ही एंड कर दिए, इनके बात ही खत्म कर दी। गुफ्तगू के दौरान या गुफ्तगू के बाद मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं वहां पर थोड़ा सा भी घबरा जाता, क्योंकि मुल्क के वजीर आजम का भी ये कहना है घबराना नहीं है, तो अगर मैं घबरा जाता तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे उस डेमो के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता कि ये बंदा जो बोल रहा है 1997 से पढ़ा रहा है, इतने तवील अरसे से पढ़ाने के बाद टीचिंग का ये मेरा टोटल टाइम पीरियड है, मतलब कॉमर्स को पढ़ाते हुए तकरीबन 13 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, टीचिंग करते हुए तकरीबन 24 साल माशाल्लाह हो गए, तो ये बंदा यही पढ़ा रहा था ये नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फुली कॉन्फिडेंट उनसे गुफ्तगू की और कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बात करते हुए उनसे बोला कि जनाब ऐसा तो होता ही नहीं है। उसके बाद जनाब अली मेरा एक टेस्ट लिया गया जो कि एमसीक्यू से मुश्तमिल था, फर्स्ट ईयर की भी और सेकंड ईयर की भी 25-25 एमसीक्यूज मुझे दी गई सॉल्व करने के लिए। सेकंड ईयर की एमसीक्यू जो 25 थी वो तकरीबन मैंने 17 मिनट में सॉल्व की और जो फर्स्ट ईयर की एमसीक्यूज थी वो भी 25 थी वो तकरीबन माशाल्लाह 12 मिनट में मैंने निपटा दी। अहम नुक्ता यहाँ पर यह है, सीखने वाला नुक्ता ये है कि अगर डेमो के दौरान या इंटरव्यू के दौरान आप ज़रा सा भी घूम जाएंगे तो सामने वाले की नज़र में आपके पॉइंट्स माइनस होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही चीज़ बाज़ औक़ात क्लास में भी होती है कि बाज़ औक़ात जो बहुत अच्छे किस्म के शार्प स्टूडेंट्स होते हैं वो बाज़ औक़ात टीचर को चेक करने के लिए कोई टेढ़ा सवाल करते हैं। अब टीचर को अपने हवास को काबू में रखना चाहिए और हवास काबू में रखते हुए उस स्टूडेंट के सवाल को थोड़ा एनालाइज करे और करे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए और फिर उसको भरपूर तरीके से अपने तमाम हवास को काबू में रखते हुए जवाब दे। उम्मीद है कि हमारे आज के इस वीडियो से यकीनी तौर पर आप ये सीखने में कामयाब हो जाएंगे कि ज़रा सा भी घबराहट, ज़रा सी भी परेशानी, ज़रा सी भी ऐसी बात कि जिससे जाहिर हो कि आपको वो चीज़ नहीं आती आपके ऊपर इंतहाई नेगेटिव असर छोड़ेगा और वो नेगेटिव असर सामने वाले के लिए माइनस करने के लिए आपके नंबर काफ़ी होगा। उम्मीद है हमारी इस बात से आप यकीनन एग्री करेंगे कि जब भी आप इंटरव्यू दें, जब भी आप डेमोंस्ट्रेशन आपकी क्लास हो रही हो जिसको आसान अल्फाज में डेमो कहा जाता है आप दे रहे हो, भरपूर तरीके से इंटरव्यू दें ये सोचते हुए कि सिर्फ और सिर्फ आपको आता है। ये बात याद रखिएगा, जब भी आप डेमो दे रहे हो, जब भी आप इंटरव्यू के अंदर बैठे हुए हो, कभी ये ना सोचें मुझे फलां चीज़ नहीं आती, क्योंकि अगर आपने ये सोचा तो जो आपको आता है उसके ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ेगा और आप जवाब बेहतर तौर पर नहीं दे पाएंगे। आप सिर्फ ये सोच के जाएं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे आता है और ये सोच के जाएं कि जो आपको आता है वो बिल्कुल सही आता है। उम्मीद है हमारी इस बात से आप एग्री करेंगे। हमारी वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर करवाया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।